खत्म हो गई। हमारे बुलाए हुए मजहमान जाकरी दुनिया में बहुत बड़ा नाम, सरदारुल जाकरीन, रईसुल जाकरीन, उस्तादुल जाकरीन, वाजिबुल्लाह इज्जत बाप जनाब सरदार वसीम अब्बास फरोज साहब, मैं उनसे इतराज़ करता हूँ, तशरीफ लाएं। अब मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर सलावत पढ़ें। मौला इज्जत बहुत अच्छे साहब, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलीयकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहि सलाम सलावातुका अलैहि वाला अबाए फ़ी हाज़ि सात वफ़ी कुल सा वलीम व हाफिज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व इना अता तुस्किनहु अर्ज़क़त तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रबा मोहम्मद वाल मोहम्मद सल्लि अला मोहम्मद वाल मोहम्मद व अज्जिल फ़रजा आल मोहम्मद। मेरा मेहरबान रहमान रहीम अल्लाह, ए हन्नानो मन्नान अल्लाह, ए हयो ए कयूम अल्लाह, ए समीयो ए बसीर अल्लाह, ए अलियो ए अजीम अल्लाह, ए अव्वलो ए आखिर अल्लाह, ए ज़ाहिरो ए बातिन अल्लाह, ए ज़ुलजलाल वल इकराम अल्लाह, ए अला कुल्ले शयइन कदीर अल्लाह, ए मोहम्मदो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम दे खालिक अल्लाह, ए अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दे मालिक अल्लाह, ए साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम दे मुहाफिज अल्लाह, ए पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु आलमीन ते रहमत बनावण आला अल्लाह, ए अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नु जौफे काबा विच नाजिल करण आला अल्लाह, ए मोमिन दी कब्र चमीर अल मोमिनीन दी कुर्सी लवावण आला अल्लाह, ए हसनैन करीमैन नैयरैन नूरैन नू जन्नत दी सरदारी अता करण आला अल्लाह, ए मीसमे तमार नू सूली ते भी सुकून अता करण आला अल्लाह, ए हज़रत मुख्तारे सकफी नू हथकड़ियाँ विच भी हैबत अता करण आला अल्लाह, ए शहनशाहवां दे शहनशाह अल्लाह, ए बादशाहवां दे बादशाह अल्लाह, ए सब तो ज़्यादा रहम फरमावण आले अल्लाह, ए सब तो ज़्यादा दरगुजर फरमावण आले अल्लाह, ए सब तो ज़्यादा माफ़ फरमावण आले अल्लाह, या सरीयुर रिज़ा, ए जल्द राजी हो जाण आले अल्लाह, अपनी अजमत वास्ते ही बारहवीं सरकार दे ज़हूर च ताजील फरमा। इलाही आमीन। मेरा मालिक असा गुनाहगारा नू मौत तो पहले इमाम असर अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत नसीब। मेरा मालिक इस आज़ादारी सैयद शहदा नू ज़हूरे इमाम अलैहिस्सलाम ताजील दा सबब ठहरा। बारिला अपनी इज्जत और अजमत वास्ते भाई वसीम आलिम इज्जत रिज़्क बख्त सेहत बेबहा इजाफा फरमा। इस पूरे जिक्र दा सवाब बारिला जुमला मरहूमीन समेत मुहिबान मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद समेत बिलखसूस भाई वसीम आलिम दी वालदा मरहूमा मगफूरा दे नामे अमाल च दर्ज फरमाया। सारे अमीन आखना बारिला मरहूमा मगफूरा दी कब्र नू मुनव्वर और रोशन फरमा, तहद निगाह कुशादा व वसी फरमा, जन्नत हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम दा टुकड़ा करार फरमा। बारिला मरहूमा मगफूरा नू जवारे सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वि जगह अता फरमा। हाजरी ने मजलिस दे भी जुमला मरहूमीन दे दर्जात बुलंद फरमा। सारे आमीन आखना बारे इला जो मरीज़ आएन बीमार आएन शिफा दी गर्ज ते आएन तमाम मरीजा नू सेहत कुल्ली अता फरमा। बारे इला अपनी इज्जत वास्ते जो बे औलाद आए कामिल उल खिलकत नेक नरीना साहले औलाद अता फरमा। जो मकरूज आएन कर्ज अदा फरमा। इलाही अपनी इज्जत और अजमत वास्ते जो जो हाजत जनो मर्द शिया गैर शिया जो हाजत लेके आए बारे ला तमाम दी हाजत रवाई फरमा। मैं गुनाहगार समेत जो जो सिख दिन रोज़ाए मजलूम दी ज़ियारत नसीब फरमा। करबला मुल्ला दी ज़ियारत नसीब फरमा। इलाही साडी दुआवां नू अपनी बारगाह शर्फे कबूलियत अता फरमा। या रब्बल हुसैन बेहक़ल हुसैन इश्फ़े सदर अल हुसैन बेज़हूर अल हुज्जत अल कायम आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम
اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما सलवात बाबा बुलंद सारे जी जी टाइम ही तो वेखना है ना लोग बच्चे नाल आए हो जी अच्छा चलो इजाजत है जी कुछ तो गुदागात करी टाइम इस वजह तो वेखना पौंदा है क्योंकि लोग बच्चे नाल कोई लोग घर पहुंचना है माल दा कोई घर बार दा कोई दवाई दा तो फिर वैसे भी अजान तो पहले मजलिस मुकनी चाहिए जी जी आमीन जी आमीन तो उस वजह तो मैं जाकिरां जेड़ा वक्त दे लिहाज नाल सफर करदा हाँ हो सकता है मैं ये भी वेदाम भी जेकर कोई सवा घंटा है अगर अजान चजे है तो मैं एक घंटे दस मिनट की मजलिस पढ़ा ये भी मैं वेदाम भी सफर तो फिर सारिया चीज़ा एक साहब मिंबर नू इन्हां दा ख्याल रखना पौंदा है वैसे मेरे भाइयों इस दुनिया दे विच ना सोना कीमती है ते ना हीरे की कोई कीमत है अगर कोई शय कीमती है तो उसका नाम है वक्त उसका नाम है वक्त वक्त की जिन्हें लोगों ने भी कदर की है उन्होंने नसीब तो रोना नहीं पाया और फिर बुजुर्ग आ गए भाई जितना भी वक्त हो साइया के जिक्र वास्ते वक्त थोड़ा ही होंगे कदों का जिक्र सुन लगे जिंदगी गुजर गए मिंबर पाक के सामने लेकिन कभी भी ये रूह रजिया नहीं साइया पढ़ने वाले भी वो दस बारह बंदे जो पूरे मुल्क बदे पढ़ते हैं बारह नहीं तो भी नहीं तो त्री हो सन इो जाकर ही ना और वही लोग हैं माशाला पूरी जगह पर लोग सैराब हो रहे हैं जिक्र के नाल नाल हूँ मैं तुम्हें खूबसूरत ही मजलिस सुना लवा ताकि मैं जितना सफ़र किया है उस सफ़र के हिसाब न थोड़ी जी गुजारिश आ गल मैं इबादत ही करनी चूंकि जोड़ा वक्त हूँ शुरू हो गया मजलिस का ये वक्त सैयदा का वक्त है ये जो मगरिब का वक्त है ये सैयदा का वक्त फजर हुसैन है फजर हुसैन है जोहर रसूल असर अली मगरिब बतूल इशा हसन है नमाज नमाज दो दो रकत नमाज फर्ज आई बाकी जिस वक्त जेड़ा मासूम आया फरमावे तो याद रखना अल फजर भी दो ही राशि ते मगरिब त्रै राशि फजर हुसैन है मगरिब सैयदा है तो मैं सफर आ गया है हद्दे तरसुस तो बाहर निकल गए उस हद तो बाहर निकल गए अशार दी आबादी दी सुनी बंद हो गई है अजान दी आवाज नहीं पहुंच रही उत्ते शुरू हो गई कसर जोर दिया जिथे चार पढ़ दी नीयत चार दी उसी ना कह सो भाई दो रकत नमाज कसर पढ़ता हूँ जोहर नहीं चार रकत नमाज फर्ज जोहर पढ़ता हूँ कसर लगता तुम सारे नीयत पता ही जेड़े
अल्हम्दुलिल्लाह मैं कसर का मसला दस गया सर। नीयत पूरी दी चार दी चार रकत नमाज पढ़नी कसरे दो सफर च गए हो चार पढ़नी अल्लाह दे अद्धी कर दी सफर च रोजा रखे अल्लाह दे जिथे जवाल हो जाए उत्थे इफ्तार कर दे बड़े बड़े लोगों फिर इस किताबा भी लिखिया बड़ी बड़ी तौजीहां भी लिखी हुई मैं तुहानू एक हजूर की हदीस सुना देवा हजूर फरमेंदे जेड़ा बंदा मुसाफिर होवे ते सफर च रह के नमाज रोजे नू कसर नहीं करता वह इवें समझे मैं अल्लाह के दिते हुए तोहफे नू वापस कर दूं दिते हुए तोहफे नू वापस कर दिता है तो बड़ी खुशी होंदी है चार पढ़नी होने तो दो पढ़नी पै जाए नमाजी नू कदी नहीं हो कुछ बड़ा एवं लुत्फ जो आंदा है पढ़निया चार हैं तो पढ़ते दो लुत्फ है तो मालूम है लुत्फ होंगे ही तोहफे च असर आ गई है इशा आ गई है अल्लाह दे दो छोड़ दे दो पढ़ ले जिहड़ी नाजिल कीती वो पढ़ ले जिहड़ी फजीलत रलाई वो छोड़ दे लेकिन याद रखना ना फजरे च रियायत है ना फजरे च रियायत है ना मगरिब च रियायत है फजर भी दो पूरियां पढ़नियां नहीं ते मगरिब दियां भी त्रै पूरियां पढ़ने नहीं अल्लाह ना हुसैन दा हक खाना गवारा करदा है ना मतूल दा हक वक्त मगरे पाक सैयदा शहजादी का वक्त अपने अगर तुम अजे तक जवानों तवस्सुल नहीं कायम किया चौदह तो किसी मासूम नाल मैं बड़िया गल्लां टुरदा मिंबर आले पासे तो आदा भी अज इस मौजू ते पढ़ना है अज इस मौजू ते पढ़ना है लेकिन जो तो मैं मिंबर ते आना फिर जो मैं महसूस करदा या जो साई चाहते वो ही जबान चो निकलता है दरअसल फजाइल भी बादशाह तो मैं कोशिश करदा बी सोहना सजा के कुरान हदीस तारीख चु पढ़ा और पढ़ दिया सारी जिंदगी इंजी है लेकिन बेसिक साड़ी पहचान मसायब है तो मसायब की वजह तो मैं अमल या अकीदे की बात या तरबीयत की या तामीरी बात मैं कर जावा तो इस वजह तू कर जाना भी चलो फजाइल फिर किसी महीले से पढ़ लिसा है तो चलो सारा दिन मजलिस हो ही जुए जे आखिर तो दो चार बातों को जवान नाल लैके चला गया तो हो सकता है इमाम का कुर्ब नसीब हो जाए आप ही अंदाजा कर लो भाई अल्लाह बतूल दे हक दी माफी नहीं पे देंदा हो सकता है कोई जवान आई तो बाद कोशिश करके कभी मगरिब कज़ा ही ना करे जाती हो गल्लां करन दित्तियां करो जी बजुर्ग हो तुसीं साडे सारे च बड़ी मेहरबानी ए जवानां वास्ते ज़हूर होण वाला एवें अचानक ही ऐलान हो जाणा जितने भी चिल्ले कट्टे गए जितना भी राबता किया गया है तो पूछा गया है कोई दे कोई साल कोई पता कोई सोमवार मंगल जुम्मा तो अगों इक्को ही आवाज आया अचानक जिन्हां लोगों ने अपनी जिंदगी मारी है जिन्हां दुनिया का कोई जायका भी नहीं चखिया जिन्हां पानी तो खुश्क रोटी पिलावा जिंदगी का कोई जायका चखिया ही नहीं नींद्र दे जायके तो जेड़े वाकिफ ही नहीं कोई पता नहीं कौन किस किस रंग जी रहे राह सौखा ने खून का दरिया है
ये अग का दरिया है, इश्के इमाम का दरिया, इश्के कायम का दरिया जेड़ा है, ये खून का दरिया है। इस चू अपने आप नू साड़ के गुजारना पौंदा, सारी दुनिया नू हटा के छड़ के, बड़ा मुश्किल है। खुदा दी कसम है, मैं एक ऐसी मस्तूर, एक ऐसी सैयदादी, सारी जिंदगी पर्दे की अहमियत को समझना। रात नू भी सुती है ना सैयदादी, तो बुरका सिराने दे नाल रख के सुते है। ते और तो पूछे ना बीबी जी तुसी चलो दिन नू तो बुरके दी समझ आंदी है, ते रात नू बिल्कुल तुहाडे अद्धा सिर ते हुंदा ते अद्धा तकीए ते हुंदा, ते इन क्यों? उन्हें अगू अर्ज किया उन्हें कि मत्था बारवा आ जाए तो बुरका हो जाए। टुर जाना लंगर मर्जी का खाना जी, होर जिंदगी है। लेकिन दुनिया नु छोड़ के फरदे हो, दुनिया नु छोड़ के इंसान फरदे दुनिया विच बसेरा करे, फरदे छोड़ के साइया दे नाम अलापना चितारना, ये बड़ी मंजिल की बात है, ये बड़ी मंजिल की बात है। तो अगर जवानों तो अजे तक 14 चू किसी साइए नाल तवस्सुल कायम नहीं किया, तो मैं तो वैसे तो सारे ही हाजत रवा है, सारी मुश्किल कुछ है। दो हस्तियां का कुर्ब अगर हासिल करो तो कमाल है। एक हस्ती का नाम है बाबुल हवाइज हजरत अली असगर, जरूरी नहीं भाई पुत्र की लोड़ होए ते ताई झूले दे नेड़े बंदा आवे, ते या पूरा साल बाद अल्लाह बेटा च दिता साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह अरबा झोलियां वसाइयां बादशाह अली असगर अलैहिस्सलाम, तो चांदी का झूला बना के या लकड़ी का झूला बना के या सोने का झूला, जिवें कोई फर्द है भी वो जाके बादशाह दी नज़र कीता नहीं, अपने आप नू पेश करो। बाबुल हवाइज शहजादे अली असगर अलैहिस्सलाम ते जो पढ़ चुके हैं या जो जो तुसा बुजुर्गा जवाना ने पढ़े है, अपने आप नू कुर्ब च लाओ, अपने आप अपने गल च पटा पा लो हजरत बादशाह अली असगर की सरदारी का, तो उनांदे हो जाओ गुलाम। ए मैं आप नहीं प्यादा, एक आलम दीन ने किताब लिखी और किताब जनाब अली असगर का तस्करा करना भूल गए, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज्यारत कर, ज्यारत पता कि मैं करवाई, सुन लेना। अंब खावण ते दिल बने आलम दीन दा, वे मेरा आज अंब खावण ते दिल, ते अंब दा मौसम कोई नहीं, ते किताब लिख रहे, किताब लिख रहे, पूरी तवज्जो, किताब शोदाए करबला ते लिखी जा रही है। ओ आलम दीन आ दिन मैं पुत्रा शगिरदा नूं आख्या भी पता करो किसे बाजार चुक दू कि दू अंब दी को खबर मिल जावे, तो आज अंब फल खावण ते मेरा दिल ले। शगिरद बाहर चले गए, थोड़ी देर बाद खुद ब खुद बंद दरवाजा खुल गया, कुछ नूरानी चेहरे अंदर दाखिल हुए जिन्हें सिर ते टोकरियां चाहिए हुई, झोली फैला के बहुत बड़ा जुमला इस मंजिल तक छोड़ के जा रहा, करीब आके पैदल मैंने पहचान में तेरा इमाम हुसैन ते करबला तो अली असगर तेरे वास्ते फल भेजे नहीं आया जरा नहीं करदा पैगाम है तेरे नाम पे छोटा समझ के मेरा तज़किरा किताब में नहीं किया। फ़ज़ाइल फ़ज़ाइल छोड़ना मसाइब राज की ओर से, मेरा तज़किरा क्यों नहीं किया? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये फल तेरे वास्ते बाबुल हवाइज ने भेज, और अली असगर आख रही है कि लोगों नु आखो कि मेरे तू मंगिया करो, मेरे तू मंगदे ही नहीं, पता नहीं छोटा समझ के नहीं मंगदे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा जुमला न होवेया, इस इलाके वाले तो मेरा जुमला न होवेया, हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे ने आलम किताब विच लिखी जेड़ियां गल्लां असीं टुर के जाके उत्थों मनवांदे आ ना, ओ अली असगर पींगे च लेट के मनवा।
घर नूं सजाना, सफाई करना, अपने घर दे विच अच्छा दस्तरखान लाना, जो खाना, जो दाल साग, जो असबे तौफीक है अपने घर च लाना, घर च खुशबू नूं भी खैरना और अपने घर दस्तरखान ला के आप अपने रिश्तेदार गरीब मस्किन लोगों नूं जितना असबे तौफीक होवे अपने आप नूं जोड़ लेना, चूंकि नौ रजब करीब है, पता ही नहीं तो केडी वड्डी ताकत दा नाम है। बाबुल हवाज अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बाबुल हवाज, हजरत बलफजल लब्बास अलैहिस्सलाम बाबुल हवाज, हजरत मूसा काजिम अलैहिस्सलाम बाबुल हवाज, हजरत मुस्लिम नकील अलैहिस्सलाम बाबुल हवाज, हाज तांदे दरवाजे और खुद बाबुल हवाज हजरत शहजादे अली असगर अलैहिस्सलाम बाबुल हवाज। तो तुसी कायम करो अपने तवस्सुल नु, बाहर अपना दुख सुख बादशाह हजरत अली असगर नु सुनाओ। वैसे तो सरकार मोहसिन इब्ने अली दा भी बहुत बड़ा तवस्सुल है, बहुत बड़े तवस्सुल है, जेडे अज तक मिंबर ते पढ़े ही नहीं गए, आरफीन लोग मिंबर ते नहीं आए, वो दुनिया तो दूर ही रहे, वो तनहाई दे गोशे च रहे, उन्हां तई कोई गया नहीं। तो मैं जिथों कोई ऐसी गल मिले नजर आवे मैं कोशिश करदा भी चलो किसी कदे का भला हो जाए, और जिन्हें लोगों अज तवस्सुल कायम करना है ना, अगले साल जो मेरी जिंदगी रही तो जिथे मिल सो इंशाल्लाह तुसी दसो भई असीं तवस्सुल कायम किया है, तो यह मुश्किल मुसीबत भी आई जी टल गई, यह भी आई जी टल गई। हुण इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जुबानी फजाइल सुने मौला अली इसगर दा, उनके बादशाहजादी के हवाले नाल एक जुमला पढ़ के फिर मैं मसाए पढ़दा। मेरे शिया सुने भाई हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे किताब विच लिख अली असगर की तारीफ, लिख अली असगर का फजाइल, लिख और लोगों नूं आख के मेरे बेटे अली असगर तू नबिया करे अल्लाह की बारगाह विच ओ मुसीबत दीआं गड्ढां जिहड़ियां साथों नहीं खुलदियां अली असगर अपनियां नन्हियां उंगलियां नाल खोलदा। अपना कायम करो पाक सैयदा दे नामे नामे नाल, शाहजादी दे नामे नाल, शाहजादी नूं पढ़ो, पाक सैयदा दी सवाने हयात नूं पढ़ो, इस नूं अपनी जिम्मेदारी समझो कि मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद दे शान नूं पढ़ना, तारीख खुतब विच पढ़ना अपनी जिंदगी दा एक हिस्सा बना लो जवाब। एक किताब खरीदो और दूसरी उतनी देर तक ना खरीदो जे तई पहली पढ़ ना लो। जिंदगी दे असूल बना लो, एवें ना खरीदी जाओ तो एवें ना सट्टी जाओ तो एवें ना लाइब्रेरियां बना के अगू फोटो छिकाई जाओ। एक किताब घर च और याद रखना, एक किताब नूं जिद्दां बंदा पहली बारी पढ़े तो कुछ होर दसदी है, दूई बारी जिद्दां बंदा पढ़े तो होर में खुलदी है, जिद्दां इक्को किताब नूं बंदा तीसरी बारी पढ़े ना वत किताब ओ राज दसदी है जिहड़ा सिर्फ ओ जानदा। एक बार तो मजलिस जुमला सुने बंदे भी तो मौला की ताकत है ना, बादशाह की ताकत है, सामईन ते भी पढ़न वाला जितनी भी तेज बुलंद बात कर रहे हो सामईन मुहब्बान मुहम्मद अहले बैत मुहम्मद नाल नाल सफर कर दे। दूसरा अमल जिहड़ा मैं जवानों तो दस के जा रहा वह पाक सैयदा दे मुहिब नाल मुहब्बत करो। सैयदा दे मुहिब नाल मुहब्बत करो ते सैन दे दुश्मन नाल दुश्मनी, दुश्मनी यार दुश्मनी करो। मैं प्या दा मैं तो साइया का फरमान है जो तुहाडे तक पहुंचा के जा रहा, वारे चावे तो बोल पवे आए, नहीं तो तुम जाने तो साई जाने। मासूम फरमाया साडे मुहिब नाल मुहब्बत करो भावे प्यो का कातिल क्यों ना हो। ना सौ अपनी मर्जी नाल सकदा है, ना उठी अपनी मर्जी नाल सकदा है, ना दस्तरखान ते हाथ अपनी मर्जी नाल चला सकदा है। मोमिन खान तो दुनिया है ही नहीं। कश्ती
समंदर दे अंदर, समंदर कश्ती दा नहीं होंदा, कश्ती बस उस गुजारा करना होंदा। अपनी मंजिल दे पहुंचदे ताई तो साड़ी जो भी मंजिल है, साड़ी मंजिल है बारगाह मुहम्मद वाले मुहम्मद, साड़ी मंजिल है जन्नत मुहम्मद वाले मुहम्मद, साड़ी मंजिल है रिजाए तौहीद, रिजाए मुहम्मद वाले बैत मुहम्मद, रिजाए इमाम जमाना अलैहि सलातो सलाम है साड़ी मंजिल है। चाहे उस मंजिल से पहुंच दे ताई सन कबर च भी होना पवे, सन बरज़ख च भी झट रुकना पै जावे, सन इस दुनिया के उत्ते भी साइया के दुश्मन का मुहासबा करना पै जाए, या सन इतहाद वास्ते, अमन वास्ते, हक वास्ते, हकायक वास्ते सन किसी जात सिर नीवा करना पै जाए, मुल्क की अमनो सलामती वास्ते अपने जज्बात पर काबू पाना पै जाए। तो यह सारिया मोमिन मंजिलन, कबर का डर उस बंदे नूं है जिसकी मंजिल चौदह नहीं। कबर तो डर लगना, कब्रिस्तान दे राह तो ना लगना, जनाजा पढ़ के भजन आली करना, जनाजे का मुंह ना वेखना, त्रै साइया नाल ना कढ़ावड़िया, जनाजा मोढ़ियां ते ना चावना, कबर च खुश हो के ना लाना। कबरे च उसनु विदा करन दे वक्त, दुनिया तो विदा करन दे वक्त खुश हो के कबरे च ना लाना, तलकीन ताई ना खलोना, ये मोमिन दी शान ने। मोमिन तो अपने जिस राह जाना होवे, जेड़े बंदे बाहर यूरोप नहीं भी जा सकते पर जो कोई यूरोप जाता पे होवे एयरपोर्ट जरूर जाते, नहीं समझे तुसी अद्धी अद्धी दुनिया का काब भी असं बाहर मुल्क सफर करिए बोलो बाद दिन चलो यार एयरपोर्ट तो वेखी, जहाज तो वेखी जो बाहर मुल्क जाते, कई तो पागल एयरपोर्टा तो खले होंगे बाहरले बंदे वेखी जो बाहर आते बंदे किमें हूँ थोड़ा शौर आ गया तो हूँ निजाम तब्दील हो गया है। पूरी तवज्जो चाहना तो जिस कबर च हमेशा रहने बंदा टॉर्च का पहले इंतजाम करता है, बोलो गर्मियां आईया नहीं तो कपड़े की खरीदारी पहले शुरू हो गई, गर्मियां आईया नहीं तो बर्फ के इंतजाम पहले शुरू हो गए, सर्दी आती नहीं तो गर्म कपड़े ते चादरां ते जैकटां ते जर्सियां पहले निकल आती है। बोले नौजवान इंसान बस से पांच बजे बहन होवे तो एक बजे दो बजे त्रै बजे उसकी तैयारी शुरू कर देता है, और जिस जहाज बस का पता है इतने टाइम ते आना है उसकी इतनी तैयारी है, जिस मौत का पता ही नहीं कि अच्छा कबर का नाम सुनकर सही दिल में दर्द शदीद होती है, वहाँ पूछ भी कुछ शदीद होती है। सही है, कबर के अंधेरों से ना घबराए मोमिन, हाँ मोमिन वाह, कबर के अंधेरों से ना घबराए मोमिन, और कबर में तो मोमिन की ईद होती है। कब्रिस्तान च जाना पै जावे, लगना पै जावे, बंदे राह तब्दील कर लेंदे, मोमिन दी शान नहीं, मोमिन पिछली रात रांदे कब्रिस्तान विच आ पुछना। मैं मजलिस पढ़ के जा सा ना पिछू शाम नूं जदों बुजुर्गों कोल बासो, बुजुर्गों कोल बैठे कोलो बड़े बड़े मोल मोती नां दी महफिली चो मिलदे, पुछया कि जन फलां आलिम दीन हन, फलां पेश नमाज हन, फलां सैयद हन, फलां फकीर हन, फलां वली हन, ओ सारी पिछली अद्धी रात घरे, पिछली सारी रात इबादत है खुदा। आओ मैं तो मोमिन दी शान दसा, छठे बादशाह फरमाए होवे साडा शिया ते होवे सफा दे, कोई बंदा उसनू रात घर ना रखदा पियो होवे ते
ہوے خطرے امام فرمے دین قبرستان جا کے چپ کر کے سہ جاوے قبر دی حفاظت کر دے رہا فرمایا چونکہ دل چی سڈے دادے علی دی ولایت اگر منزل 14 ہے دنیا برزخ آخرت پل سرات اینج نہیں ہونا بھئی ہے قبر ہے جویں جانے تے نال دوے پاسو جنت اے تسا ٹکنا ہے اوتھے چار دن پورے اے تسا میں اے ساریاں ہی اے جھوٹا لینا اس منجی دا اے مومن دی شان ہے یار گھبرا کیوں گئے ہو مومن گھبرائندا ہے ہی نہیں جدو صدا مولا متقیان فرمائیے تو طے ہے کہ ایک نہ ایک دن تجھے اس دنیا سے نکلنا ہی ہے تیرے اندر پکا پروگرام میں نہ بھولے آئے دیتے بھی پکے ہو جاؤ اللہ ہون نہیں دیتا ہاں جی سائی اگر موت بھی نہ ہوئے نہ موت بھی نہ ہوئے تو خدا دی قسم ہے مخلوق دے ویکھو کے رنگ ہوندے اجے تو موڑ بھی کچھ موت دا ڈر کدی نہ کدی انسان دی زندگی چاہ ہی جاندا ہے کہ انسان برے اعمال تو توبہ کر ہی لیندا ہے اگر موت وچ نہ تو موت جڑی ہے دنیا مومن واسطے نہیں مومن کرنا ہے دنیا وچ گزارا پوری توجہ اور اگر ساڈی منزل محمد و اہل بیت محمد ہیں وہ تہاڈی دنیا دے بھی ضامن ہیں بہت قبر دے بھی ضامن ہیں بہت حشر دے بھی ضامن ہیں مولا متقیان فرمائیں دن یاد رکھے حقوق اللہ وچ او اللہ کل شائن قدیر ہے حقوق اللہ وچ او اللہ کل شائن قدیر ہے ہو سکتے اپنے سارے معاف کر دے بھی لیکن جے تو کسے نال ظلم کیتا ہے تو دھوکھا کیتا ہے تو کسے دا مال غصب کیتا ہے تو کسے دا حق کھاتا ہے کسے دے مال تے قبضہ کر لیا ہے فراڈ کر لیا ہے دھوکہ کر لیا ہے اس دا نظام تن خود آپ پاس کرنا پوسی او جڑا 50,000 سال دا دین لگنا ہے جو میزان لگنا ہے تو بھائیو اے ذہن وچ رکھیا ہے خالق لم یزل نے اے ضرور فرمایا بھی ہو سکتا ہے چار نمازاں تیریاں گھٹ ہوویں نہیں پڑیاں لیکن توبہ کر کے آ میرے دروازے تے ویلے نال جاویں 60 سالاں تو بعد تعالی پھر توبہ لبو ابھی انسان دا تقریبا بند ہی کر دیندا ہے کہ جے نجے تائیں حیا نہیں پیا دا توجہ ہے یا کوئی 60 سالاں تو بعد اللہ اور 80 سال اور یاد 60 سالاں تو بعد 60 سال تک بھی توحید دی بارگاہ چوں 40 سالاں تو بعد تو اس بندے دے نام دی پنجویں امام فرمیندے ہیں صدا آ جاندی آسمان تے بھائی تیاری کر لے تھوڑے ڈنگ رہ گئے نہیں 40 سالاں تو بعد پنجویں بادشاہ فرمایا مومن دا نام لے کے آسمان تے ندا دتی جاندی ہے اس بندے دا نام نال پیو دا نام لے کے بھائی تیاری کر لے دیں تھوڑے رہ گئے نہیں توبہ کر لے اجے روح قبضے چاہیے اجے وہ منیندا ہی منا لے ہو جا بھائیو ذہن
तेरा ख्याल होए ना तू किसे दा हक खसम करके ते मुड़ वली दे मथे लगे, तू धीयां दा हक खा के ते मुड़ अली दे मथे लगे, तू दुनिया नु आई दी टेक्नोलॉजी दे हवाले करके औलाद नु फिर अली दे मथे लगे, तू अपने घर च कोई ऐसा काम जेड़ा साईयां दे रिजा दा बायस ना होवे, गज़ब दा बायस होवे, अपने घर च करके मुड़ तेरी उम्मीद होवे ते कब्र च मैं साईयां दे मथे लग सा नहीं। अली इब्ने अबी तालिब फरमाते हैं हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, दुनिया पता क्या चाहती है, बहुत बड़ी बात करना चाहना सामने आके, दुनिया चाहती है भाई जिंदगी, दुनिया की बात कर रहे हैं, दुनिया ये चाहती है भाई दुनिया सहूलतां एक जहान काफरां वाला मिले ते आखरत मोमना वाली मिले, जे सारे मेरे शिया सुन्नी भाई जे सारे तुसी मेरे नाल शामिल होवो ते परदादार मेरिया मावां भैणां धीआं कज़ादियां वो अपने बेटे अजीज बेटे पुत्र नूं दुआ करन ते मैं केड़ा सोड़ा जुमला आखणा चाहना, मजलिस दी जान ही बन जाए, जमाने छो पता की रहा है, मैं हक आखा तां सारे भुलिया है, जमाने छो ए रहा है बंदे हराम दी कमाई जेब च पा के हलाल दा गोश्त वधे लभदे ने, कोई किसी बंदे दी अक गुगो पर्दा रही नहीं, कल नू कोई बंदा भी साईयां दी बारगाह विच बोल नहीं सकदा, ए ना ही आख सकदा भी मैं पता नहीं, मैं मिंबर ते गल कीती मैं क्या पीरां दे उर्स लगदे ने मेले लगदे ने साल बाद, साल पूरा मुरीद तैयारी च रहंदा है, मुड़ मेला नेड़े आवे तो मुड़ होर पीर दा नां ते तस्बीह ते जिक्र तेज कर देंदा है, फिर वो जदों साल बाद फिर जरी ते जावे या उसकी कबर ते जावे जां अंदर जाके सलाम करे फिर भी वो ते अक्सर तो फिर वो जलेबियां खा के मेलियां तू आ जांदे, तवज्जो चाहना बाहर हो तो बाहर कोई कबड्डी शबड्डी कोई घोड़ा दा नेज़ाबाजी दा कोई ग्राउंड लगे हो तो कोई किदां ही जाना उस तू पुछना आने भी जिंदगी किवें गुजारी है, तो मैं आदा भावे उस साल च मुरीद जहन्नम पहुंच जावे अली आले शुक्र करो हुसैन दा जिस रोज ही मजलिस करवा के तेरे मजलिस च बुला ले, रोजाना दी अपनी रिपोर्ट पेश करो आका इमाम ज़माना अलैहि सलाम दी बारगाह विच, रोजाना पूछो मालिक तो अपनी रोजाना दी, चुके जिक्र साड़ी रूह दी ग़िज़ा है, बल्कि रूह दी जिंदगी दा नाम है, रूह दी मार्फत जिक्र मोहम्मद वाले सैयदा दे दुश्मन नाल रियायत ना करना, अपने बंदे बरात तू आजकल कतरा रहे हैं, तबर्रे तू परा परा हो रहे हैं, बल्कि तकरीबन को 50% तो मुक ही गया है, तबर्रा तबर्रा दा माने बरात बेजारी, जिन्हें जिन्हें साईयां नाल ज्यादती कीती है उन्हें ते किसे किसे वेले लानत कर छड़ी करो, उन्दा तुहानूं फायदा ए हो सी भी जिथे तवल्ला थोड़ा जिहा पढ़न दिवे बाबा जी, बस हो गए जी हो गई साईं हो गई हुण सुन लो हो गया, मैं भी करता पाया हर वक्त कहता हूँ ज़हरा के दुश्मनों पे लानत, मैं देखी के कामों में कभी छुट्टी नहीं करता, सही है सही है सही है सही है, बहुत बड़ी बात उन्होंने की थी,
मैं नेकी के कामों में कभी छुट्टी नहीं करता। ठीक फरमाया है अबू हमजा सोमाली जलील कदर साहबी चौथे बादशाह दे। अबू हमजा सोमाली ने पूछा मौला ये वजाहत फरमाओ भाई ये तुहाडे दादे अली ते तुहाडी दादी सैयदा दे दुश्मन ते जो बंदा लानत करे। इमाम सज्जाद फरमाए अल्लाह 70 लाख नेकी फौरी नामा भाइयों 70 नहीं 700 नहीं 70,000 नहीं 70 लाख ने किया मौला 70 लाख ने किया सैयद सज्जाद फरमाते हैं 70 लाख ने की लिखी दी है तो 70 लाख उन्हें अल्लाह बिना दे दे और सैयद सज्जाद अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया ਸੱਤਰ ਲੱਖ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਨਤ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ 70 ਲੱਖ ਦਰਜਾਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੋੜੋ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਭਾਈਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਮੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਬਹਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ अपनी जिंदगी में शामिल करो तबर्रा दा माने बरात बेजारी साईं दुश्वार याद रखना तवल्ला जिते तुसे तुहान सालां च लैके जासी ना तबर्रा उत्थे तुहान मिंटां च लैके जासी मेरे को दलील इतनी बड़ी है आका इमाम हुसैन अलैहि सलाम और बकीयतुल्लाह आजम अलैहि सलातो सलाम अपनी रईयत वास्ते हुक्म जारी कर दें के रोजाना ज़ियारत अशूरा पढ़ो मुंह करो रोजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाले पास से ए काबा इत्थे ते रोजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा इत्थे बन गया मौला फरमा रहे मेरे रोजे मुंह करके अगर खड़े नहीं हो सकते अलालत के बावजूद तो फिर बह जाओ वरना आराम नाल अगर तुसी ज़ियारत अशूरा नु सुकून नाल पढ़सो और 100 दफा वाला जेड़ा वेर दे दो اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد اگر اس نو 3 بار بھی تسی پڑھ سو منہ کرو امام حسین علیہ السلام والے پاس سے 10 تو 12 منٹ لگ سین پیچھے پڑھو 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت امام حسین علیہ السلام یاد رکھ زیارت سورت ہے کیا زیارت سورت ہے لعنت محمد وال محمد دشمن تے اساں دی عربی اپنا ترجمہ خود کر رہی اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر ताकि मैं कोई अपनी कर सा ना कोई बंदा मेरे ते वट रख सी तो वट उठा ही रह जा सी मैं गल 14 दी कर सा ओ वट कर सी ते अब्बास काट छुड़े सी हाय 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 बोलो
ईसाइयों के दुश्मनों से बरात की रखो, अपनी इबादत का हिस्सा तवल्ला तबर्रा अमर बिल मारूस नहीं अन अल मुनकर, इन चार चीज़ों से बड़ा वर्क किया छठे बादशाह ने, एडा एडा काम किया इमाम अलैहि सलात। और पूछा गया आगा नूरुल्ला मुहम्मदी तू आगा तबर्रा क्या है, उन्हें फरमाया अफजल इबादात में से है तबर्रा, अफजल इबादात में से तबर्रा। एक हदीस पढ़ के तो फिर मैं एक जुमला मसाहिब दे पढ़ा, छठे बादशाह मस्जिद नबी दाखिल होए, एक टोली बैठी है बंदियां दी, वो दरूद पढ़ी जा रहे हैं, बादशाह करीब है, सलाम किया, उन्हें जवाब दिता, जवाब देने के बाद इमाम अगे गए, थोड़ा अगे गए तो इमाम अलैहि सलाम ने वेख्या बंदे बह के मुहम्मद वाले मुहम्मद दुश्मनों से लानत पे कर दे, बादशाह छठे बादशाह तेज कदम कोलू अगा गुजर गए तो सहाबियों भी इशारा करके बुला लिया, एक सहाबी आके मौला सलावात वाले नु सलाम किया ने ते तबर्रे वाले नु सलाम ने किया, फरमायो अफजल इबादत है मसरूफा है। चादर तो मैं सद क्यों जावा हाथ रोट पवेण अल्लाह ना कब्र ते अज़ाब नाज़िल करे जिन्ना इन अली दियां धीयां कदी इस बाजार ते कदी इस बाजार गल अकबर दी होवी रो ना रो तेरी मर्जी, गल अबल फजल लब्बास दी होवे हाय कर ना कर तेरी मर्जी, गल मर्दा दी होवी रो ना रो तेरी मर्जी, पर गल जे तो बुरके दी आ जा महल्लेदार दी रिश्तेदार दी धी दा कितना एहसास करना चाहिए है, जबकि मासूमा दिन काफिर दी भी होवे तां धी धी आउंदी है, धी दूए शहर पर नहीं होवे मुल्तान लाहौर या किसी होर शहर मजबूरी बन जावे ना जल्दी आ सके, वो जे दो साल बाद भी गगो मंडी आवे वो पूरे राह औलाद नूं ना जगे सी, जदा पिछले मोड़ ते आसी ना मेन रोड आले ते ਉੱਥੇ ਧੀਆਂ ਨਾ ਕੇ ਸਜਾ ਕੋ ਪੜੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਹਾਇ ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੁਸ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਾ ਇਹ ਮੋੜ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੇਕਾ ਵੇੜਾ ਨੇੜੇ ਆਵੇਂਦਾ ਲਿਆ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਚ ਫਿਰਾ ਮਰਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਇਦਾ ਦੀ ਬਾਗ ਜਦੋਂ ਬੱਲੀਏ ਸਜਾਦ ਰੁਪਈਆ ਦਿਆ निशानियां लाई आ
روزے دی نشانی کسے علم دی نشانی کیوں میرے ویراں چونکہ دھیان نمانا مال ہے ویڑے دی زینت ہے پردے دی زینت ہے تو دھیان نشانیاں لائی ہوں دیا قبرستان دی نشانی کسے روزے دی نشانی اچھے علم دی نشانی او میں دارین قربان کر دے تو آڈی ہائے نکلیے مدت بیمار دی رات ودیے ਕਦੀ ਹਾਏ ਦੀ ਕਸਮ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੜਪ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਜਾਦ ਰੋ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਏਡੀ ਉਜੜ ਗਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੈ ਮੇਰੀ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਵਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਜਾਦ ਮੋਢੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਰਾਤ ਰੋ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਅਕਾਤਲਾ ਜਗਾਏ ਇਤਨਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮਰਹਬਾ ਬੀਬੀ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮੈਂ इंसान पूरा नहीं पिया लांदा ते जिन्हां धीआं दीआं चादरां दे छड्डियां जे हाय सारे करो तकला लांदा ते जिन्हां दोहां दा दाज लुटा छड्या मदीने दे सरदार वाला है मेरी मातमी नाल गल ने औखी कमर सिद्धी कीती है सोटी दे जोर दे के
Yeah.